They also get prizes. I thank her for this wonderful lecture. Because I once again say that we are extremely sorry. We have rather started the program a bit late. We might have started the program at 2 p.m. Rather, we started it at perhaps at 2:30. That's why we cut her short. Anyway, it was a wonderful debate, we can say. And various participants of this program throwed light on this burning issue. We must keep the conclusion of this program. Rather, a bit later, I would like to invite the Sajad sir onto the dais. He will conclude the program. But before that, I will tell you that the basic mission and the basic motive of the program that was being launched by the central government, led by its active leader, Prime Minister Narendra Modi, the basic and the fundamental aim of the program is to make the Indian people aware about the fact that we must keep ourselves as well as our surroundings clean. In our surroundings, what comes? Our schools comes in our surroundings. We must keep our schools clean, neat and clean. We must keep our hospitals neat and clean. We must keep our roads, our streets neat and clean. That is what the message of this program is. I thank you with the core of my heart. I thank the worthy principal of this institution, the students, the participants for making this program a success. And at the end of this program, I would like to call Sajad sir to come on the dais and conclude the debate. मोहतरम प्रिंसिपल साहब, मालिमी ने अपना कुआदब, अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौज में इस्तराब नहीं, कि तेरे बहर की मौज में इस्तराब नहीं। हाजरीन महफिल, आज का ये जो प्रोग्राम हमने यहाँ पे मुनक्किद किया था, उसका एक वाज़े मकसद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 21वीं सदी है, और जहाँ इल्मी तफाइर और साइंस की जो इजादात ने ज़िंदगी को दिगरबू कर दिया है, वहीं ये का इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि साइंस ने जहां हमें तरक्की से नवाजा है, चांद पे कदम रखने के लिए हमें सामान मुहैया किया, लेकिन बावजूद उसके जो आलूदगी हमारे यहां आजकल माहौल में फैली है, वो एक काफ़ी चिंता का विषय आप कह सकते हैं। और साथ ही अब इस तनाजुर में जितने भी मुहाजिब अकवाम हैं पूरी दुनिया में, तो इज्तमाही तौर पे वो कुछ अंजुमनों के तहत, कुछ एनजीओज के तहत इस मसले को टैकल करने के लिए रात दुगनी यानी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बावजूद उसके हर एक कौम का इनफरादी तौर पे फ़र्ज़ होता है कि उसको निभाया जाए। देखिए, जहाँ तक आलूदगी का मसला है, यह बहुत ही, मैंने जैसे कि अव्वल ज़िक्र भी आपको कहा कि काफ़ी परेशान कुल मसला है, इसको टैकल करने के लिए हमें अपनी इनफरादी काविशों को बरवेकार लाके इसका सनेबाब करने की कोशिश करनी चाहिए। तो साथ ही कुछ अशार आपकी नज़र, सफाई में खुदाई है, सफाई नसीब एमा है, तहारत से गुरेजा है, भला कैसा मुसलमा है, वो जिसके जहन व जिस्म वो जहाँ सारे महफिल हैं आलूदा, हकीकत में मवेशी है, बज़ाहिर एक इंसान है। तो जैसे कि हमारे बहुत सारे अजीज़ तलबा व तालिबात ने अपने कीमती वक़्त से कुछ लम्हात चुरा के हमारी आज की इस महफिल को मुनव्वर किया, उन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ अपने टॉपिक जो है वो तैयार किए थे, फिर यहाँ पे अच्छी तरह से आगे उन्होंने प्रेजेंटेशन की। लेकिन हर एक महफिल में कुछ खास होता है, कुछ होता है, क्योंकि कोई भी पार्टिसिपेंट जो है
वो जब तैयारी करता है तो ये समझ के करता है कि मुझे पहली पोजीशन हासिल करनी है या मुझे जितनी महफिल में लोग बैठे हैं उन पे अपना सिक्का जमाना है। सिक्का जमाने के लिए आप यू आके यहाँ सिक्का नहीं जम सकता है, उसके लिए बहुत ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो बहरहाल वक्त की कमी है, कहना तो कुछ ज़्यादा ही चाहते थे लेकिन इशारे मिलते हैं कि मुख्तसर ही रहिए। तो खास करके हमारी एक बेटी यहाँ पे जिनका मैं ज़रूर जिक्र करूँगा और उन्होंने जो शेर कोट किया था मैंने भी मुनासिब समझा क्योंकि ये सिचुएशन के मुताबिक था, उसको मैंने रिकॉर्ड किया। शायद उनका नाम राफिया, उन्होंने जिस तरह से टॉपिक पेश किया, प्रेजेंटेशन उनका, कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ अच्छा था। तो आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा आने वाले जो हमारे जो भी प्रोग्राम है उसमें तनदही से आप पार्टिसिपेट करें क्योंकि ये स्कूल में जो भी प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए। अब रही बात सच्चता ही सेवा है तो कहना कुछ और करना कुछ और नहीं होना चाहिए। जो हमने अगर इस स्लोगन के तहत यहाँ पे कुछ बातें की हैं तो अमली तौर पे भी हमें उनको करके दिखाना है क्योंकि शायर ने फिर से क्या खूब कहा है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है, नारी है। मैं आप तमाम तलबा और तालिबात का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला यहाँ आ गए। ख़ासतौर पर मैं अपने असातिज़ा हज़रात का, जो हमारे लेक्चरर साहिबान हैं, हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, इनका मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस महफिल को आरास्ता किया। तो इसी के साथ साहिब लुधियानवी के इन अशार के साहिब लुधियानवी के इन अशार के साथ रुखसत चाहता हूँ। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये शाम आज के संगीन दौर की डस लेगी जान और दिल को कुछ ऐसे कि जान और दिल ता उम्र फिर ना कोई हंसी खाओ ढूंढ सके। वसलाम।